नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर राजवीर इस समय पलकी से बोलता हुआ नजर आ रहा है कि मुझे माँ की याद आ रही है। आप लोग जानते ही हैं कि राजवीर इस समय प्रीता और सृष्टि दोनों को ही काफ़ी मिस करता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि राजवीर सबसे ज़्यादा टेंशन में है कि आखिरकार हो क्या रहा है, क्योंकि दोस्तों जब से सृष्टि गायब हुई है तब से बहुत ही ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है, और सृष्टि का गायब होने में पूरी तरीका से जो निधि का हाथ है वो भी एक्सपोज होता हुआ नज़र आने वाला है। पहले ही प्रीता ने बोल दिया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और दोस्तों जल्द ही आखिरकार यहाँ पर सृष्टि को देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों सृष्टि वहाँ से निकलती हुई नज़र आने वाली है। लेकिन दोस्तों निधि की बात की जाए तो निधि को एक्सपोज कोई और नहीं करेगा बल्कि प्रीता करेगी, और साथ में पलकी की मॉम करेगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पलकी की मॉम पूरी तरीका से प्रीता का साथ दे रही हैं ताकि सृष्टि को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अब इस समय निधि यही कोशिश कर रही है कि जितना जल्दी हो सके सृष्टि को भगवान के पास पहुँचा दिया जाए, लेकिन दोस्तों उसकी चाल किसी भी तरीका से कामयाब नहीं होने वाली। आप लोग जानते ही हैं कि लोगों का मानना ये है कि निधि पिछले कुछ समय से लगातार लूथरा परिवार से भी बदला लेने की कोशिश कर रही है, उन्हीं के घर रह रही है और उन्हीं के ही विरुद्ध चाल चल रही है। आप लोग जानते हैं कि इस समय करण और ऋषभ दोनों भाइयों का गर्म माइंड देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है, और निधि से बोलेंगे कि निधि तुम्हारा कुछ ना कुछ प्लान तो जरूर चल रहा है, अगर तुम्हारा किसी तरीका से घटिया प्लान है और हमें पता चला तो तुम्हारे साथ में बहुत बुरा होगा। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा।